गाइस अभी पहुंच गया हूं हॉस्पिटल में। यहां पर अपनी बाइक लग चुकी है, ये है भाई हॉस्पिटल। क्या बेड चेक करो गाइस, 2000 रुपए का रूम है ये। ये देखो ना, इसमें स्टेप है कि भाई ऐसे करके जो उठाने वाला हो। ये हाल है भाई हॉस्पिटल के। सो हेलो गाइस, आप सबको भाई नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्रि था तो हमने करी पूजा और देखो सास से जल ठीक हो गई है और दवाई खा के सेजल की तबीयत खराब हो रखी थी बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर मिले गए थे जैसे आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो अभी ठीक हो सेजल आप? हाँ जी। सबको नमस्ते कर दो, हैप्पी नवरात्रि बोल दो। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया? टीका देखो मिटा दिया इसने, इतनी बहुत बदमाश है, फोन देख रही है ना। मुझको जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा वहीं पर जाकर। और 10:30 बजे आज ऑपरेशन भी है तो मुझे पहुंचना है अभी। तो अभी पूजा वगैरह मैंने कर ली है, बस मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ यहाँ से। तो वीडियो में बने रहना, चैनल पे नए हो मेरे तो उन में तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं रेडी हो गया हूँ एंड हेलमेट का सीन ऐसा हो गया गाइस मेरा कैमरे का ना। और ये देखो यहाँ पर जो GoPro लगता है ना वो टूट चुका है गाइस, थोड़ा उसका केस जो होता है ना तो उसको मेरे को रिपेयर भी कराना है या मुझे नया मिल जाएगा क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो। तो अभी फिलहाल अपने बाबू हो गया भाई रेडी है। कैसे लग रही है? झक्कास लग रही है ना। तो भाई हेलमेट में अभी GoPro अपना लगाना होगा, ठीक नहीं कैमरा क्योंकि भाई इसका वो टूट गया है। पहुंच गया मैं हॉस्पिटल में और यहाँ पर अपनी बाइक लग चुकी है, ये है भाई हॉस्पिटल। कुछ ऐसा है भैया, बहुत तेज बोल रही थी आगे भाई पेट पूजा करने के लिए क्योंकि भाई नाश्ता वगैरह मैंने किया नहीं था। तो यहाँ पर अपने लिए लग गया भाई राजमा लग गया भाई और ये साथ में भाई ये भाई रायता और समीर पिएगा भाई लस्सी। ऑपरेशन हो गया, अभी आ गए हम लाइफ लाइन हॉस्पिटल जहाँ से रेफर किया था और यहाँ पर हमें थोड़ा सा बोला है कि 4 घंटे यहाँ पर रेस्ट करना है, दवाई दे रहे। तो यहाँ का मैं आपको रूम दिखाता हूँ भाई, रिस्पना पुल के पास है लाइफ लाइन। ये देखो ये है बाबा जी, इनका ऑपरेशन हो गया लेटे में एंड यही है भाई यहाँ का ये रूम है भाई लाइफ लाइन का। इसका बेड चेक करो गाइस, 2000 रुपये का रूम है ये, 3-4 घंटे का। और पंखा पंखा कर रहा है आवाज़। ये देखो ना, इसमें स्टेप है कि भाई ऐसे करके जो उठाने वाला होता है ना थोड़ा सा आराम मिल जाता। बाथरूम तो फिर ठीक है यहाँ का, मतलब चलो बाथरूम तो क्लीन है ही बट रूम देखो ना यहाँ कैसा है। देखो सबसे ज़्यादा तो बेड सही होना चाहिए था। बाबा जी आराम है अब, तके करना है आगे। ये हाल है भाई हॉस्पिटल के, पैसे 2000 रुपये चार्ज लेके 4 घंटे के, सिर्फ 4 घंटे के 2000 रुपये ऐसा रूम मिल रहा है। लाइफ लाइन हॉस्पिटल है ये, यहाँ पर रिस्पनापुर के पास में। अभी मैं आ गया मार्केट में और मैं ये ढूंढ रहा था यहाँ पर ये जो मेरा टूट गया भाई कैमरे का, तो ये मिल नहीं रहा पूरा मार्केट में। तो अभी मैं भैया के पास आया हूँ यहाँ पर वेल्डिंग करके देखते हैं चिपका के, तो ये मुझे पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रहा। शायद घर आ गया था मैं और हॉस्पिटल में जो है ना वो हमारे रिलेटिव है नेपाल से आए हैं स्पेशली इलाज कराने के लिए। बट 2000 रुपये का बेड आपको दिखा दिया मैंने भाई उस हॉस्पिटल का भाई, लाइफ लाइन हॉस्पिटल भाई रिस्पनापुर के पास में, बड़ा होता अजीब था। फिलहाल अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या बोलना आज जल्द होगी स्वस्थ हो जाएंगे, ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। एंड अभी मैं घर आ गया हूँ मैं और सामान लेके आया कुछ वहाँ मार्केट से। मार्केट में गया था मैं अपने कैमरे के लिए वो कैश लेने के लिए, वो मिला नहीं और वेडिंग करा था जो मैं वहाँ पर प्लास्टिक वेडिंग, वो हुआ नहीं भाई, वो फिर से टूट गया। तो मैं अपने तरीके से करूँगा उसे। अभी मैं क्या लेके आया हूँ भाई इन लोगों के लिए, ये दोनों यहाँ पर देखो बैठ गए भाई आके फटाफट से। क्या चाहिए इनको? इनके लिए लाया मैं चॉकलेट, ये लो भाई आपके साइड की चॉकलेट, एक दीदी को दे दो। एक ट्राइपॉड लिया मैंने भाई अपने फ़ोन के लिए भाई जाके व्लॉगिंग के लिए, तो ये वाला ट्राइपॉड लिया मुझे सही पड़ गया। और दुकान में पूछा था मैंने ना वो भाई 800 रुपये का बता रहे थे और ये मैंने मार्केट में भाई सिर्फ 300 रुपये का लिया, सही है ये। और भाई पहले सीजन की भाई ये मूँगफली, इस सीजन की गाइस ये मूँगफली है, पहली मूँगफली है। मूँगफली सबका फेवरेट है भाई, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गए तो मूँगफली खाने का, तो ये 40 रुपये पाव है भाई मूँगफली। गाइस ये था भाई कैमरे का केस जो कि भाई देखो ना प्लास्टिक वेल्डिंग कराया फिर टूट गया, फिर टूट ही गया, तो इसलिए भाई मैं इसे हेलमेट में लगा नहीं पाया। तो आज भाई मेरे को ब्लॉगिंग में इतना मज़ा नहीं आया जो भी भाई फ़ोन से शूट करना पड़ा, बट कोई नहीं मैं इसको करवाता हूँ भाई, इसको मैं अपने हिसाब से देखता हूँ भाई करके। गाइस अभी मैंने सामान ले लिया है भाई जिससे मैं जोड़ने वाला हूँ इस केस को, ये है भाई सारा फेविक वगैरह है और ये भाई इसका टेप लेके अपना देखते हैं भाई दिमाग लगा के भाई, उससे तो हो नहीं पाया। तो गाइस मैंने चिपका तो दिया है, बस ऐसा जुगाड़ किया है मैंने इसमें ऐसा। और भाई इतने टाइम में मैंने इतने देखो इतनी सारी मूँगफली भी खा ली भाई जब तक ये सूख रहा था, तो अभी फिलहाल सूख गया, इसमें कैमरा लगा के देखते हैं। काम तो कर गया भाई ये जैसे तैसे करके भाई हो गया भाई इसमें जुगाड़, एंड कैमरा मेरा इसमें फिट तो हो गया है, बट ये कि कैमरा भी चल रहा है भाई गोली, एंड ये कि अगर इसको मैं ज़्यादा खींचूंगा टूटेगा नहीं क्योंकि मैंने ऊपर से प्लास्टिक लगा दिया इसका ये। तो गाइस ट्राइपॉड भी दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने ट्राइपॉड लिया है वैसे तो ऐसा ही है बट अंदर से खोल के भी दिखाता हूँ मैं, एंड मैंने इसमें टेप लगा दिया है तो कैसा लग रहा है भाई ये देखो। तो गाइस ये है भाई इसमें ट्राइपॉड निकला हुआ है एंड इसको भाई कैसे भी मोड़ो तोड़ो कुछ भी करो भाई सब हो जाता है, और यहाँ पर लग जाता है भाई फोन। जो गाइस ये रहा भाई अपना ट्राइपॉड, इस तरीके से फोन लग जाएगा भाई एंड इसको कहीं भी माउंट कर दो कैसे भी कर दो, तो ये वीडियो बनाने के लिए काफी हेल्प रहेगा। तो मैंने इसमें भी फोन लगा लिया है, आपको अपने आईफोन लगाता हूँ इसमें जिससे मैं ये शूट कर रहा हूँ ना, ये मैंने इसमें होल्ड कर दिया है और देखो भाई इससे कितना फर्क पड़ रहा होगा क्योंकि मेरा हाथ है ना जैसे वाइड एंगल में मैं शूट करता हूँ ना गाइस, तो वाइड एंगल में क्या होता है ना कि मतलब ठीक से नहीं आ पाता, मतलब उसमें थोड़ा सा फीचर थोड़े होते हैं, तो इसे मैं नॉर्मल मोड में शूट कर रहा हूँ जिसमें मेरा कैमरा रहता है। तो कुछ ऐसा आ रहा है
मतलब काफी ऐसा लग रहा होगा ना जिससे मतलब मेरे को दिख रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा अच्छा रहा होगा। एंड इसको ही मैं वाइड बॉल में करता हूँ, देखो ट्राइपॉड से तो कैसा लगेगा। ये रहा अब वाइड एंगल जो मैं यूज करता हूँ भाई, जब मैं हाथ से ब्लॉगिंग करता हूँ तो उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। वैसे मैं हाथ से भी करता हूँ, एक बार मैं हाथ से पकड़ता हूँ ठीक है ना, ट्राइपॉड से नहीं, ये मैंने ट्राइपॉड से नहीं पकड़ा, ये हाथ से पकड़ा। मतलब ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा है जैसे मैं शूट करता ही हूँ, तो मैंने ये क्यों लिया कि इसमें ना फीचर्स फटते हैं, मतलब अगर इससे करूँगा मैं तभी पूरा आ पाएगा बैकग्राउंड, बट मैं नॉर्मल मोड से करूँगा जैसे ये करूँगा तो इसमें मुझे वाइड एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे जो मेरे पिक्चर्स है ना जो काफ़ी क्लियर आएंगे भाई, और पीछे भी काफ़ी सब कुछ दिख पाएगा, मेरा जो हेड है ना वो मतलब प्रॉपर इस कैमरे में आ पाएगा। तो काफ़ी सारे एसेसरीज है भाई यूट्यूब के लिए, अगर आपको इसमें भाई वीडियो चाहिए कि मेरे पे क्या क्या है मतलब एसेसरीज वगैरह यूट्यूब के लिए, और आपको क्या चाहिए यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए, तो मैं इसमें भी वीडियो एक बना दूंगा भाई। तो मतलब छोटे छोटे मतलब इतना भी बड़ा खर्चा नहीं करना, क्योंकि अभी छोटे क्रिएटर हैं भाई, इतने बड़े क्रिएटर नहीं कि भाई जो कि भाई महंगे महंगे जो गिम्बल वगैरह हो गया वो काफ़ी कॉस्टली जाते हैं। ट्राइपॉड आप ले सकते हो, बेस्ट है भाई ब्लॉगिंग के लिए। तो भाई अब हो गया भाई डिनर का टाइम और नवरात्र चल रहे हैं, तो आज क्या बना रखा है हमारे स्पेशल नवरात्र में, पहला नवरात्र है भाई आज, तो आज बना रखा है भाई ये आलू की सब्जी है और चने की सब्जी है एंड पूरी, और भाई अपने लिए भाई चावल है, और ये है भाई हलवा है भाई। तो करते हैं भाई अब डिनर भाई, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो मेरे दून भाई में तो सब्सक्राइब करना। तब तक बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।